कोतवाली विकास नगर के बाजार में यातायात से व्यवस्था चरमराई हुई है। वहीं आपको बता दें कि लोग बीच सड़क पर ही अपने वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे कि आम जनता को चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं दुकानदारों के द्वारा फुटपाथ पर अतिक्रमण किया हुआ है, जो कि इसका मुख्य कारण है। इसी के साथ ही ई रिक्शा, यूटिलिटी, पिकअप वाहन भी बीच सड़क पर ही अपने वाहन में सामान लोड अनलोड करते हैं, और इस मामले पर नगर पालिका के द्वारा नाम मात्र दिखावे को कभी कभार कार्रवाई की जाती है। उसके बाद यह दुकानदार फिर से फुटपाथ पर अतिक्रमण कर लेते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी अभी कोतवाली विकास नगर का वार्षिक निरीक्षण किया था, जिसमें कहा गया था कि जो वाहन चालक सड़क पर अपना वाहन खड़ा करेंगे, उन्हें क्रेन से उठाकर चलानी कार्रवाई की जाएगी। वही कोतवाली विकास नगर राजेश शाह का भी कहना है कि अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है, इसके बाद पुलिस के द्वारा यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। ये अभी त्योहारों के दृष्टिगत अभी बाजारों में भी काफी रौनक हुई है और काफ़ी संख्या में लोगों का आवागमन बढ़ा है, जिसके दृष्टिगत यातायात बाधित हो रहा है। चूँकि पुलिस के पास काफ़ी लिमिटेड संसाधन है, एसएसपी महोदय द्वारा यातायात व्यवस्था के सुधार के लिए एक क्रेन भी दी जानी है और कुछ अन्य व्यक्ति पुलिसकर्मी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनको भी इसमें यातायात व्यवस्था में लगाया जाएगा। और इसके साथ ही नगर निगम के साथ मिलकर समय समय पर जो व्यापारियों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, इसे हटाने और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।